नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान में पिछले 72 घंटों में कितने नए कोरोना वायरस के केसेस आए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 3 दिन का फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और फिर जुमे रात को आपको मालूम होगा, मतलब 4 दिन का अपडेट निकल के, और देखा जाए तो केस काफी ज्यादा है भाई। अगर जो मेरे हिसाब से मैं सोचूं, एक साल में जैसे 1 साल तकरीबन हो चुका है पेंडेमिक को आए हुए, लेकिन इतना ज्यादा केस नहीं आया था जितना कि आज अगर जो देखें, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो ट्वीट कर जानकारी दी उसके हिसाब से अगर जो देखें तो काफी ज्यादा केस है। तो कितना केस है, कितने लोग एक्सपायर हुए, वो भी एक रिकॉर्ड है। पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। आपको जानकारी के लिए बता दे कि सबसे पहले ये जुमेरात से लेके संडे यानी आज तक का अपडेट है। अगर जो केस की यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि केस कितने आए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पे बताया कि 1610 नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। कितने? 1610 भाई, मतलब काफी ज्यादा 4 दिनों का ये अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होगा जुमेरात के दिन छुट्टी था, जुमेरात हो गया, फ्राइडे सैटरडे और आज है इतवार, ये चारों दिनों का मतलब देखा है तो 400+ डेली केस आए हैं। क्योंकि चार चौक का 16 नए केसेस आए हैं, मतलब 4 दिनों में। वही बात करें कि इसमें टोटल केस कितना हुआ है आज तक ओमान में, जैसे जान बता दें यहाँ पे तो 1,46,867 आदमी अब तक इस पेंडेमिक का शिकार हो चुके हैं ओमान में भाई, जो कि मतलब स्लोली स्लोली 1.5 लाख के करीब बढ़ते ही करीब पहुंचते जा रहे हैं। वहीं बात करें कि पिछले मतलब 4 दिनों में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, उनकी अगर जो बात कर लूं तो यहाँ पे 8 आदमी हुए हैं। 8 आदमी, हालांकि एक्सपायर देखा जाए तो 2 आदमी एक दिन में एक्सपायर हुए। हालांकि कोई भी आदमी एक्सपायर हो भाई काफी दुखद है, क्योंकि ये पेंडेमिक पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुकी है। और इस समय बात करें तो इंडिया में भी आपको मालूम होगा बहुत सारे, मतलब मुंबई वाले से, मुंबई हो गया, नागपुर में, अगर जो मुंबई की बात कर लो तो मुंबई में ही अकेले काफी ज्यादा केसेस आए हैं। और ये और बहुत सारे शहरों में मतलब फिर से दोबारा केसेस को काफी ज्यादा होता जा रहा है। वही बात करें अगर जो ओमान में 8 आदमी एक्सपायर हुए, टोटल अगर जो बात करूं आज तक तो यहाँ पे 1608 आदमी अब तक इस पेंडेमिक की वजह से अपना जान गंवा बैठे, जो कि काफी बैड है भाई। वही बात करें कि इसमें रिकवर कितना हुए हैं, जो 1,46,000+ केस है इसमें कितने आदमी ठीक हुए हैं, उनकी अगर जो यहाँ पे बात करें तो 1,36,429 आदमी, इतने आदमी अब तक यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। मैं भी 10,000 का डिफरेंस इस समय बना हुआ है भाई, जो पेंडेमिक के शिकार है जो रिकवर हो चुके हैं। वही बात करें कि यहाँ पे पिछले 96 आवर में कितने लोग रिकवर हुए हैं, उनकी अगर जो यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो 1202 आदमी रिकवर हुए हैं, मतलब काफी ज्यादा आदमी रिकवर हुए हैं भाई। 1202 आदमी 96 यानी 4 दिनों में रिकवर हुए, जो कि काफी जबरदस्त। वही आप अगर जो ओमान में रहते हो तो ओमान सुप्रीम कमेटी का जो भी कायदा कानून है उसको बराबर से पालन करिए और अपना जरूर ख्याल रखिए। बाहर निकले तो मास्क लगाओ और सैनिटाइजर बराबर, हाथ हाथ बराबर धुलते रहना, क्योंकि इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है इस पेंडेमिक से। साफ सफाई हो गया और जितना हो सके उतना आदमी से बचे रहोगे तो आप ही के लिए फायदा रहेगा भाई। ये नहीं, क्योंकि देखा जाए तो पेंडेमिक, हालांकि वैक्सीन तो आ चुकी है लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे कंट्रियों में मतलब दोबारा से जब ये वायरस अपने दोबारा उफान पे आ रहा तो बहुत सारी कंट्रियों में केस बढ़ता ही जा रहा है। ओमान में खुद आप देख सकते हो कि ओमान में भी केस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।